EMMR। अब इसमें एजुकेशनल MM क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये तो हो गया एजुकेशनल और ये हो गया रिसर्च सेंटर। MM क्या है? MM इज फर्स्ट M है मल्टी, दूसरा M है मीडिया, तो सेंट्रल इसका क्या है? मल्टी मीडिया। तो अगर मल्टी मीडिया मल्टी है तो इसका ओपोजिट भी कुछ होगा, तो वो ओपोजिट मल्टी का क्या होगा? वन, सिंगल वन। ओके, इसको लिख देते हैं यूनी मोनो। इसका ओपोजिट क्या हो गया? मल्टी मीडिया मोनो मीडिया, मल्टी मीडिया यूनी मीडिया। अब मीडिया क्या क्या है इसका डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पर। अब मल्टीमीडिया को समझना है फिर EMMR को समझ पाएंगे। अगर हमारे पास एग्जाम्पल सफिशिएंट और जो हमें समझ आ चुकी है तो ये सारा आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए इनका कंपैरिजन करके मल्टीमीडिया को समझेंगे, दो चार एग्जाम्पल इसकी, दो चार एग्जाम्पल इसकी, उसके बाद आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया में कंपैरिजन से हम समझेंगे कि मीडिया क्या है। मीडिया की एग्जाम्पल है टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज, ग्राफ या ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो। यहां पर साथ में मोनो भी लिख लेते हैं। अब ये हो गया। अगर तो किसी भी एजुकेशनल कंटेंट में सिर्फ एक मीडिया यूज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ओनली टेक्स्ट, यहां ओनली जरूर आएगा, ओनली टेक्स्ट यूज हुआ है, पर इसको रिजिडली डिफाइन मत करना। यहां मैं करूंगा डोमिनेट, डोमिनेट कर रही है टेक्स्ट, तो उसको यूनिमीडिया या मोनोमीडिया कहेंगे। उसकी एग्जाम्पल क्या लेके चलोगे? न्यूज़पेपर, उसकी एग्जाम्पल है टेक्स्ट डोमिनेट कर रही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्स्ट बुक है ना। हाँ, हमारे जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, रिटर्न असाइनमेंट्स आप देते हो, टेक्स्ट ही डोमिनेट कर रही है, तो ये यूनिमीडिया की एग्जाम्पल है। आप दूसरा ऑडियो, इसकी एग्जाम्पल ले लिए। अगर डोमिनेट सिर्फ जहां ओनली ऑडियो है, उसकी एग्जाम्पल रेडियो, लेक्चर, लेक्चर की एग्जाम्पल बाद में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। लेक्चर, वो लेक्चर जिसमें, यहां पर आगे चल के समझाता हूं, लेक्चर को में कंफ्यूज नहीं होना है। लेक्चर में वो जो के ये टीचर हैं, टीचर क्या है कि वर्बल सिग्नल सेंड कर रहा है इधर बच्चों की तरफ, ठीक, और ये वर्बल सिग्नल मतलब भाषा में कुछ व्यक्त कर रहा है, लगातार बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, तो ये यूनी मीडिया हो गया, वन मीडिया, मोनो मीडिया हो गया। अगर यही टीचर ये बोल रहा है, साथ में यहां पर चाकबोर्ड पर लिख रहा है और यहां LCD प्रोजेक्टर या कोई प्रोजेक्टर लगा है, वहां पर इमेज दिखा रहा है और साथ में छोटी सी वीडियो, जैसे मैं अपनी क्लास में शो करता ही हूं, वीडियो छोटी सी क्लिप दिखाई, तो अब क्या हो गया? अब ये वही लेक्चर, वर्ड लेक्चर था, वही हो गया मल्टी, तो मल्टीमीडिया हो गया। लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको डिफाइन डिफरेंटली करता है, वो कौन सा है? ये तो हो गया। तो जब मल्टीमीडिया क्या हो गया? हाँ, कि जब टेक्स्ट और ऑडियो प्लस हो गई, प्लस इमेज हो गई, प्लस ग्राफ हो गए, प्लस, यही नहीं कि पांच के पांच होने हैं, मतलब इन मीडिया में से एक से ज्यादा इकट्ठे मीडिया आप यूज कर रहे हो तो उसको मल्टीमीडिया कह रहे हो। रेडियो यहां है, टेलीविजन मल्टी में आ जाएगा। ये इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है मल्टीमीडिया में, इसमें मैं वीडियो दिखा सकता हूं, इसमें मैं इमेज दिखा सकता हूं, बोर्ड पर लिख सकता हूं, मैं डिवीजन करके क्वेश्चन दिखा, वो कितना यूज कर सकता हूं, ये मोस्ट एडवांस्ड मीडिया है। तो हमने फोकस किस पर करना है? EMMR पर, मल्टीमीडिया। इट मींस जो ये प्रोडक्शन वो करेगी EMMR, इस पर रिसर्च करेगी, इन सभी को यूज करके किसके लिए? टीचिंग, TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और कोई एग्जांपल याद नहीं रहती तो वीडियो, इंटरएक्टिव वीडियो याद रखना है। और सेकंड क्राइटेरिया यूनिमीडिया और मल्टीमीडिया का क्या है, वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिमीडिया डोमिनेट करता है इसमें, डोमिनेट वन वे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, और मल्टीमीडिया में टू वे कम्युनिकेशन। ओके, मोबाइल फोन है, आप मोबाइल आपको रिस्पांस देता है, वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करता है, कंप्यूटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करता है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो और फिर
आप मशीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, मैं एक ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, और यहां पर आप न्यूज़पेपर टेक्स्ट की एग्जांपल लेनी है, बुक के साथ, बुक नहीं कुछ बोल रही, बुक तो दिखा रही है, आप नहीं कुछ बुक से कह रहे, वहां पर इंटरेक्शन होगा, मल्टीमीडिया में इंटरेक्शन होगा। इट मीन्स EMMR पर फोकस करना है तो वो बार बार शब्द क्या आएगा, टू वे प्रोसेस की जगह पर इंटरएक्टिव, इंटरएक्टिव जो है इसकी सेंट्रल आइडिया बन जाएगा मल्टीमीडिया का। जो मैं ये समझा के आया हूं उसको टेक्स्ट रूप में देखना है तो ये, इसकी और एग्जांपल मोनोमीडिया की देखनी है तो हमारे पास टेक्स्ट ओनली हो गया, ऑडियो ओनली हो गया, ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक ये भी हो गया, लेक्चर बेस्ड समझ लेना है लेक्चर कौन सा, ऑडियो ओनली रिकॉर्डेड ऑडियो बुक्स हैं, प्रिंटेड बेस्ड असेसमेंट है, ट्रेडिशनल एग्जाम सिस्टम है, रिटन रिस्पॉन्स है, एसे टाइप है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, है ना, आपकी रिटर्न असाइनमेंट्स है, सभी इसी में आ रही हैं यूनिमीडिया में। पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिमीडिया का मतलब 100% वन मीडिया यूज होना नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है उसमें कोई कोई इमेज आ सकती है, लेकिन मैंने पहले वर्ड यूज कर लिया, डोमिनेट वन मीडिया कर रहा है, ये सेंट्रल है, इसको समझना है। बुक है, बुक में इलुस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स फोटो आ सकती है, लेकिन फोटो इतनी डोमिनेट नहीं करी, लेकिन कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर, इंटरेक्टिव वीडियो में लगातार इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, सारा कुछ जो है मिक्सचर में यूज हो रहा है, तो वहां डोमिनेशन एक की नहीं है, तो वहां डोमिनेशन नहीं है, बैलेंस है। साइकोलॉजी कहती है कि मल्टी सेंसरी अप्रोच ये कहती है कि डिफरेंट मीडिया है तो लर्निंग, रिटेंशन, मेमोरी, यहां पर बच्चे के ज्यादा वो जो लर्निंग मटेरियल है बैठ जाएगा, तो दैट इज व्हाई मल्टीमीडिया इज प्रेफर्ड। ये मल्टीमीडिया की जो टेक्स्ट है आप रीड कर सकते हो। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है, ये भी बात हो चुकी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, अदर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। अब वो एग्जांपल जो EMMR को समझने में बार बार यूज होनी है, एजुकेशनल वीडियोस, इसमें विजुअल, एनिमेशन, इंटरव्यू, डेमोस्ट्रेशन, है ना, सिमुलेशन, ये सारा कुछ आएगा। ई लर्निंग मॉड्यूल्स, इसमें भी वीडियो, क्विज, सिमुलेशन, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज मॉड्यूल होंगे, ये शब्द इस पर डिफरेंट वीडियो बन सकती है, यहां नहीं कुछ भी होगा। मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन, इसमें भी इमेज, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, इंटरेक्टिव कॉम्पोनेंट्स, है ना, तो ये एग्जाम। डिजिटल स्टोरी टेलिंग है, मोबाइल एप्स है, यहां स्टोरी टेलिंग है, इट मींस है कि इमेज, वीडियो साथ में वो चीजें होंगी, मोबाइल एप्स है, गेम है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें यहां पर बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक जो है उसका बेस बन गया है कि एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर देना है कि मल्टीमीडिया पर रिसर्च और उसको इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एजुकेशन फील्ड में ये सेंटर एस्टेब्लिश किए गए। किसके द्वारा? ये UGC के द्वारा। कहां पर? यूनिवर्सिटीज में, सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं, कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में। इसका पर्पस क्या था? इन हाउस क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मेन क्वेश्चन शुरू होता है कि रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ EMMRC, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? सिंपल मैंने है जो है रेड कलर किए हैं, यही वर्ड आपने सिर्फ याद करने हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन क्रिएट करना है, क्या करने हैं? एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने हैं, मतलब कुछ नहीं, वही एजुकेशनल वीडियो है, लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, वो बनाने हैं, वही वर्ड रिपीट होने हैं। रिसर्च इसमें आ रहा है, आर फॉर रिसर्च करनी है, कि रिसर्च क्या करनी है, कि ये भी बात रिपीट होगी कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए इन्वॉल्विंग स्कॉलर्स, ऐसे प्रोग्राम बनाने में, क्रिएट करने में स्कॉलर्स को इन्वॉल्व करना है। एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू टेक्नोलॉजी, मान लीजिए वर्ल्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है कि या क्या इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या कौन से लैंग्वेज में, लिटरेचर में, सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, साइंस में, मैथ में, किस में टेक्नोलॉजी ये बेटर यूज हो सकती है, सभी में या किसी किसी में। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीच एंड इफेक्टिवनेस असेस, मतलब के ये सभी तक पहुंच सके कंटेंट जो बच्चों तक पहुंच नहीं पाया, उसके लिए ये पर्पस है इसके। अब करते हैं कि इसका जन्म कैसे, एवोल्यूशन कैसे, विकास कैसे हुआ, है ना, तो दो तीन बातें हैं। नंबर एक, जो A84 को याद रखना है, 86 की पॉलिसी से थोड़ी देर पहले, तो कंट्री वाइड क्लासरूम, ये दूरदर्शन पर ये प्रोग्राम आता भी था, UGC ने कंट्री वाइड क्लासरूम
प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया और मीडिया सेंटर जिसको ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर, ये इस क्वेश्चन का पार्ट भी है, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर ईएमएमआर का पार्ट भी है, और ये एस्टेब्लिश किए कहाँ कितने में, अभी बात की है मैंने 6 यूनिवर्सिटी में। तो यही जो रिसर्च सेंटर ये थे, बाद में रीनेम इनको कन्वर्ट कर दिया गया, इनका नाम रख दिया गया एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म कंट्री वाइड क्लासरूम है ना पूछी जा सकती है, AVRC जैसे बीएड एंट्रेंस टेस्ट में नॉर्मली पूछी जाती है, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर। इनिशियली ये 6 यूनिवर्सिटीज में थे, लेकिन प्रेजेंटली जो बढ़कर ये कितने हो गए हैं, 17 कौन से हैं, ये नाम है यहां पर श्रीनगर मिस है, श्रीनगर लिख लेना, और यहां पर नीचे मदुराई आएगा, तो बाकी के डॉट लगे हैं, ये 17 जो है अब ईएमएमआर के यहां पर सेंटर है किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है, दो पॉइंट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशन, और नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर हायर एजुकेशन, कॉमन पॉइंट है, पाते हैं क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो मटेरियल सपोर्टिव मटेरियल प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सेम बात ही बन रही है। इस पॉइंट को थोड़ा सा टेक्निकली समझना पड़ेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन पिछले पॉइंट जो साइट और CIET में किए हैं वैसे नहीं है, कोऑर्डिनेशन तालमेल पैदा करना है। पहले तो ये जब 6 यूनिवर्सिटीज में ये सेंटर बनाए गए थे तो तालमेल UGC पैदा करती थी क्या किसने करना है, उसके बाद कंट्री वाइड क्लासरूम को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए 93 में कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ECEC एंड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ये एस्टेब्लिश किए गए। इन्होंने कोऑर्डिनेट किसके साथ करना है, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर AVRS और EMMRR इसके साथ। अब आपको बस ये CEC और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ये दो वर्ड इस पॉइंट में याद करने हैं और के इसके साथ वो कोऑर्डिनेट करेंगे कंट्री वाइड क्लासरूम को मोर इफेक्टिव करने के लिए। सिंपली कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम को इफेक्टिव करने के लिए 1993 में ये एस्टेब्लिश किए गए CEC इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किसके साथ करना है, ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर के साथ और EMMR के साथ, ये इनका ही पार्ट है, ये हम पीछे समझ चुके हैं, इन्होंने भी कोऑर्डिनेट इनसे करना है, तब ये इनकी सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फंडिंग, EMMR को फंडिंग जो फाइनेंसिंग करनी है वो UGC ने करनी है, और UGC किसके जरिए, MHRD जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है, काम क्या है वही वीडियो लेक्चर ई कंटेंट बनाना। पॉइंट है ब्रॉडकास्टिंग, कॉमन CIET से SIET से है पॉइंट, ब्रॉडकास्ट मीन जो एजुकेशनल प्रोग्राम ये बनाते हैं वो रेडियो या टेलीविजन से सारे देश में फैलेंगे, वो स्टूडेंट्स तक टीचर्स तक और जनरल पब्लिक तक पहुंचेंगे, तो अब जो लेटेस्ट है टेलीविजन के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैकल्टी, फॉर एग्जांपल कोई साइंस के एक्सपर्ट हैं यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, तो उन यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी में से उस सेंटर ने EMMR ने और बाहर से भी उनको इन्वाइट करना है ताकि उनका सब्जेक्ट एक्सपर्ट का व्यू दें, उनकी जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं लेसन प्लान कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं वीडियो की भी स्क्रिप्ट बनती है उसको बेटर कर पाए और एजुकेशनल फिल्म प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव बन पाए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन क्रिएट करना है डेवलप करना है, दो वर्ड ये भी यूज किए जा सकते हैं, उसके साथ हाई क्वालिटी जोड़ ही देना है रियलिटी में कुछ भी हो, तो दूसरी बात है डिफरेंट डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल साइंस है लैंग्वेज है आर्ट है हिस्ट्री है वट एवर डिफरेंट डिसिप्लिन एंड डिफरेंट लेवल, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन इनके लिए वो प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है वो मल्टीमीडिया की एग्जाम्पल पहले ही बात कर रहे हैं, ई लर्निंग मॉड्यूल है एनिमेशन है डॉक्यूमेंट्रीज है लेक्चर्स हैं, लेक्चर को वन वे नहीं समझना यहाँ मल्टीमीडिया वाले हैं, एग्जाम्पल रिपीट हो रही है। करिकुलम एनरिचमेंट, देखिए यूनिवर्सिटीज ने जो करिकुलम बना लिया है उस करिकुलम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रांजैक्ट करने के लिए उनको टीच करने के लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो फिर किसने हेल्प करनी है, मल्टीमीडिया एक पार्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो ये करेंगे, इस पॉइंट में कुछ नहीं है, जो सिलेबस है उसको सपोर्ट करने के सिलेबस के कंटेंट को इजी बनाने के लिए जल्दी याद करने के लिए
जो मल्टीमीडिया वीडियोस है, ई लर्निंग मॉड्यूल है, वो बनाने हैं, एक तरह से रेपिटेशन है। पर यहां पर एडिशनल पॉइंट क्या है कि जो बच्चे ऑलरेडी टीचर से सीधा लर्न कर चुके हैं उसके सप्लीमेंट्री कंटेंट ये बनाएंगे। जो मान लीजिए बच्चे ने टीचर से लर्न कर लिया है लेकिन उसकी एडिशनल नॉलेज पर वीडियो आया है, तो मान लीजिए बच्चे को 50% नॉलेज हुई है, बाकी की नॉलेज को और एनहांस, वैसे कोई लिमिट नहीं है, उसको एनहांस करने के लिए सप्लीमेंट्री कंटेंट ये बनाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन सपोर्ट, तो यह ब्रॉडकास्टिंग आ गया था, वो डिस्टेंस एजुकेशन में सीधी सपोर्ट करेंगे। कंटेंट डेवलप कर लिया, अच्छे अच्छे प्रोग्राम वीडियो ई लर्निंग मॉड्यूल वो बना लिए, तो जो बच्चे दूर बैठे हैं उनको ये कंटेंट जो है बना दिया इन्होंने, पहुंचाने में एक ये हेल्प कर रहे हैं। तो जो रिमोट लर्नर्स हैं, जो ये रहा रिमोट लर्नर्स, जहां तक स्कूल या एजुकेशन पहुंच नहीं सकी, तो वहां तक ये कंटेंट पहुंचेगा थ्रू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जहां टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो एक वर्ड याद रखना है वर्कशॉप, स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो क्लासरूम में टीचर ने इंटेग्रेट कैसे करना है मल्टीमीडिया को, उसी मल्टीमीडिया को जो ईएमएमआर बना रहे हैं उसको क्लासरूम में कैसे यूज करना है, उसकी ट्रेनिंग देनी है। एम्फेसिस क्या होगा, जो पीछे बात करके आए हैं, सेंट्रल आइडिया इंटरएक्टिव, वन वे वाला नहीं, यूनिमीडिया वाला नहीं, एक्टिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, ये टर्म याद रखनी है। रिसर्च का कॉमन पॉइंट है, रिसर्च मीन इफेक्टिवनेस टेस्ट करनी है मल्टीमीडिया। मान लीजिए आपने कोई कंटेंट डेवलप किया है जहां कोई न्यू अप्रोच आई है कि ऐसे टीच किया जा सकता है मल्टीमीडिया को यूज करके, उस पर रिसर्च करनी है। उसकी एक एग्जांपल थोड़ी सी ब्रीफ में समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, एक ग्रुप को उससे न्यू टेक्नोलॉजी से टीच किया गया है ना मल्टीमीडिया की, जो ट्रेडिशनल मेथड से ऑलरेडी चल रहा है ये दूसरा ग्रुप उसका हो गया, तो इनको टीच किया, ये ट्रेडिशनल हो गया, यहाँ ट्रा लिख दिया है ट्रेडिशनल, चलो तो इनको टीच किया गया एक मंथ के लिए, इनका प्री टेस्ट ले लिया मान लीजिए और पोस्ट टेस्ट ले लिया, और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में देखा कि ये इनके मीन स्कोर मान लीजिए 50 था और इनका 70 हो गया, और ट्रेडिशनल मेथड थे वालों का भी 50 था और इनका 60 हुआ, तो ये डिफरेंस जो था 10 पॉइंट्स का ज्यादा है स्टैटिस्टिकली देख के। तो ऐसे इफेक्टिवनेस पता चलती है एक्सपेरिमेंटल मेथड से कि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अप्रोच या न्यू कंटेंट जो डेवलप किया था उसी ग्रुप को, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कितना इफेक्टिव है। कोलैबोरेशन को पिछले पॉइंट में रख सकते हैं, यहां नेटवर्किंग का पॉइंट है, ओवरलैप भी कर सकते हैं, एक पॉइंट भी बना सकते हैं, किससे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से और ऑर्गेनाइजेशन से। करना क्या है, शेयर नॉलेज करनी है, दो पॉइंट जो कॉमन रह रहे हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। ये बड़ा यूनिक पॉइंट है, आर्काइविंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि जो ई लर्निंग कंटेंट बना लिया है उनको प्रिजर्व रखना है, जैसे हम बुक्स को, जर्नल्स को, मैगजीन को लाइब्रेरी में रखते हैं, और लाइब्रेरी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होती है, डिफरेंट लर्नर उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीमीडिया ये रिसर्च सेंटर जो ई कंटेंट बनाता है, वीडियोस बनाता है, मॉड्यूल्स बनाता है, उसको वो प्रिजर्व रखें, किसी ऑर्डर में लगाएंगे, और ता जो अवेलेबल रहे, लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर यूज है, वो मैटर को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और किसी जगह रखेंगे, कोई भी जो लर्नर है उसको यूज कर सके। कंक्लूजन ओवरऑल वही आएगा कि क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, कंटेंट डेवलप करने के लिए मल्टीमीडिया का ये सेंटर जो है सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। इनको याद करने के लिए मेमोरी ट्रिक्स क्या है, मैंने दो डिवीजन कर रखी हैं, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। कॉमन पॉइंट किन के साथ है, जो पीछे इनके साथ के टॉपिक है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कॉमन पॉइंट आपके लिए, उन लर्नर के लिए इजी के जो बहुत कम 10 मिनट में ही लेसन तैयार करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आए ये जड़ देने हैं उन्होंने। फॉर एग्जांपल, कॉमन हमने क्या किया था, इसमें एक पॉइंट और ब्रॉडकास्टिंग का हुआ है, तो ये वाली टेक्निक आप अपना लीजिए। मैंने क्या किया है, ब्रॉडकास्ट रीसेंट प्रोडक्शन, ठीक, प्रोडक्शन क्रिएशन डेवलपमेंट,
बी से ब्रॉडकास्ट पूरा ही लिख लीजिए, ब्रॉडकास्ट हो गया, ओके यहां पूरा लिख लीजिए। आर से रिसर्च हो गया, ये रहा रिसर्च। ई से कुछ नहीं है, क्रॉस यहां कर दीजिए। सी से हैं वही वाले पिछले वाले, करिकुलम एनरिचमेंट या करिकुलम एनरिचमेंट और कोलैबोरेशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन। टी से ट्रेनिंग या टीचर ट्रेनिंग और प्रोडक्शन से प्रोडक्शन, ये पॉइंट पक्के याद हो गए। दूसरे यूनिक जो इसके हैं, बाकी साइट जहां सीआईईटी के नहीं है उनको याद रखने के लिए, इनको याद रखने के लिए कौन सी टेक्निक मैंने अपनाई, वॉवल की एफडी करवा लो। एफ डी किसकी, जो फाइव वॉवल है, ए ई आई ओ यू। ए से लिख लिया आर्काइविंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ई से लिख लिया एवोल्यूशन फ्रॉम ए वी आर सी से, आई से लिख लिया इन्वॉल्वमेंट, एक आधा भूल भी गया तो कोई बात नहीं, किसकी, फैकल्टी की, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की। और से ऑब्जेक्टिव्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन। एफ से फंडिंग, डी से डिस्टेंस एजुकेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। कोई टॉपिक किसी भी क्लास का डिफिकल्ट लग रहा हो, कमेंट बॉक्स में उसका कोशिश कीजिए, आपके 10 ईयर क्वेश्चन में से जहाँ जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ जो ऑड क्वेश्चन आए हैं, उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट लिख के कि ये प्रॉब्लम दे रहा है, उस फॉर्म में आप लिखिए, उसी फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।